हेलो एवरीवन सो टूडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज़ के ये जो आपका ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें आपको यूनिट्स पूछे जाएंगे रेट कांस्टेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको पूछे जाते हैं एम में भी आपके पास आते हैं एंड जो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है नाउ यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ये रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है डिनोट होता है वो के से एंड फॉर इंस्टेंस अगर हम एक जनरल इक्वेशन ले लें ठीक है लेट इस टेक द जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन ठीक है जनरल इक्वेशन अगर हम ले लें दैट इज ए प्लस बी बी ओके बी बी गिव्स टू सी एंड सी प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या है रिएक्टेंट्स इसमें ए एंड बी है ठीक है और आगे ये जो लगे हुए हैं आपको पता है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है जो ये ए बी है दीज आर द स्टोशोमेट्रिक कॉफिशंट्स ठीक है दीज आर द स्टॉइशोमेट्रिक कॉफिशेंट्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी ना अब क्या होगा सपोज हमने इसकी हमने लिखनी है इसकी रेट एक्सप्रेशन तो इसका रेट एक्सप्रेशन या फिर इसका रेट लॉ कैसे लिखेगा रेट एक्सप्रेशन ठीक है रेट एक्सप्रेशन इसके लिए क्या आ जाएगा तो आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखोगे एज इसका रेट एक्सप्रेशन लिखोगे रेट इज इक्वल टू कैसे लिखते हो आप रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्सटेंट वो होगा आपका के ठीक है दैट इज के एंड उसके बाद क्या लिखते हो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है जैसे यहाँ पर ए है ठीक है एंड उसका मल्टीप्लाई करते हो दूसरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ एंड ईच को रेस टू दी पार सम एक्सपोनेंट करते हो जैसे कि एक्स एंड वाई जो आपके एक्स एंड वाई है ठीक है जो आपके एक्स एंड वाई है वो क्या है जो आपके एक्स एंड वाई है ये मे और मे नॉट बी स्ट्राइशोमेट्रिक कॉफिशेंट हो सकते हैं मतलब मे और मे नॉट बी मे नॉट बी मे नॉट बी स्ट्राइक्योमेट्री स्ट्राईक्यो मेट्रिक मेट्रिक कॉफिशेंट ठीक है कॉफिशेंट्स अब क्या बात हो रही है इसमें कि जो आपके ये यहाँ पर जो रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें x एंड y जो होते हैं वो एक्सपोनेंट होते हैं जो कि a और b भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते और सबसे ज़रूरी बात जो आपका रेट एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ठीक है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है इसलिए जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है वो हम अपने से Uh, ऐसे नहीं लिख सकते ठीक है थीके? वो कुछ भी हो सकती है तो हमने लिख लिया इसके लिए एक्स एंड वाई ना वट इज़ के ये तो आपका हो गया ये तो हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन ना वट इज़ वट इज़ के इसमें जो k है वो क्या है इसमें जो k है वो है आपका रेट कॉन्सटेंट वो होता है रेट कॉन्सटेंट और जिसकी आपने यूनिट्स निकालने हैं ठीक है दिस इज़ द रेट कॉन्सटेंट रेट कॉन्स्टेंट ओके नाउ इसके रेट कॉन्स्टेंट को निकालने से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि वॉट इज रेट जो आपका रेट कॉन्स्टेंट है रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या होता है रेट कॉन्स्टेंट जो है ठीक है दैट इज़ जिसको डिफाइंड करते हैं जिसको लिखते हैं नोटेशन उसकी के है वो क्या हो जाएगा अगर उसकी डेफिनेशन आ गई तो हम क्या लिखोगे हम लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ डिफाइंड एज ठीक है इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान से देखना रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन वेन वेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट रिएक्टेंट ठीक है ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इज़ इक्वल टू इज इक्वल टू यूनिटी इज इक्वल टू यूनिटी इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे यहाँ पर ए एंड बी की कॉन्सनट्रेशन है रिएक्टेंट दो है अगर यहाँ पे ए कि जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो यूनिटी हो जाए और बी की भी जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो यूनिटी हो जाए ठीक है तो आपके पास क्या आ जाएगा सपोज यहाँ पे ए की कन्सेंट्रेशन जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट हैं उनकी जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो यूनिटी है मतलब यहाँ वन है यहां पर वन है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें आपका ये पूरा वन बन जाएगा और जो रेट ऑफ द रिएक्शन है जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना आ जाएगा वो आपके पास इज इक्वल टू के आ जाएगा तभी हमने इसमें लिखा जो आपकी डेफिनेशन बनी तो वही बनी कि जब आपके रेट ऑफ जो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ़ द रिएक्टेंट्स है जब आपकी यूनिटी हो जाएगी एट दैट केस एट दैट पॉइंट आपका रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट कॉन्स्टेंट तो वही डेफिनेशन आपकी यहाँ बनती है कि रेट कॉन्स्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाता है जब आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे सिर्फ ए और बी प्रेजेंट थे उनके कॉन्सेंट्रेशन अगर आपकी यूनिटी होती है तो उस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी रेट कॉन्सटेंट के इक्वल हो जाएगी ओके अब ये हमने सीख दिया अब आते हैं उसके बाद यूनिट्स पे, ठीक है यहाँ पर यूनिट्स पे आते हैं यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ़ के मतलब यूनिट्स ऑफ के मतलब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट देखो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि के की वैल्यू है क्या एक्चुअल में ठीक है के की वैल्यू अगर देखो रेट एक्सप्रेशन से तो क्या आएगी के को एक साइड लिख लो और दूसरी साइड इसको दूसरी साइड जो भी चीज़ें हैं उसको रेट के नीचे लिख लो ठीक है तो आपके पास आपने देखा के की वैल्यू आपके पास आएगी के इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर मैंने रेट लिख लिया डिवाइडेड बाई ए टू दी पार ए टू दार एक्स एंड बी रेस टू दार वाई ठीक है यहीं से कुछ नहीं किया है इसको रियर इंजस्ट कर लिया ओके अब आपको पता होना चाहिए जो रेट होता है ठीक है जो रेट होता है उसका पता होना चाहिए रेट क्या होता है रेट होता है आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम चेंज इन टाइम ठीक है चेंज इन टाइम ओके आपको पता है रेट ऑफ द रिएक्शन ये होता है और वैसे भी जो इसके यूनिट्स होते हैं सो यूनिट्स ऑफ रेट क्या हो गए यूनिट्स ऑफ जो रेट होता है वो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है वैसे भी पहले पढ़ाया ही ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर अगर हमारी जो रिएक्शन है वो एक्वस है अगर आपका गैशेस होता तो मोल पर लीटर की जगह आपने ए लिखना था ओके न और जो टाइम का ऐसा यूनिट है वो होता है सेकेंड इनवर्स तो आपका यूनिट्स ऑफ रेट तो इतना आ गया ठीक है यूनिट्स ऑफ रेट आपके इतना आ गया यूनिट्स ऑफ रेट अब यही वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो तो आपके पास क्या आया कि यूनिट्स ऑफ अगर आपने के निकालना है तो वो कितना होगा यूनिट्स ऑफ रेट यहाँ पर डाल दो वो आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड उसके बाद डिवाइड करो यहाँ देखो अब ये क्या है ये दी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन चाहे जितनी भी वैल्यू हो ट्वेंटी कॉन्सनट्रेशन थर्टी कॉन्सेंट्रेशन जो यूनिट्स है कॉन्सनट्रेशन के वो सेम होते हैं और आपको पता है यूनिट्स कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं मोल पर लीटर तो हमने लिख लिया मोल पर लीटर ठीक है रेस टू दार यहाँ पर एक्स हो गया और यहाँ पर दूसरी जगह मोल पर लीटर रेस टू दार वाई तो मतलब हमने ए एंड बी के जो यूनिट्स थे वो हमने पुट कर लिए और रेस टू दी बार एक्स एंड वाई कर दिया सो so नाओ क्या हो जाएगा कि इज इक्वल टू मोल ठीक है मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया ठीक है अब ये क्या है यहाँ पर देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी जैसे यहाँ पे मोल पर लीटर है मतलब मोल पर लीटर क्या है बेस है उसके टू दी रेस्टुदीपार एक्स है और सेम के ही टू दी रेस्टुदीपार वाई है तो क्या होता है इन दोनों का हम एक कॉमन ले लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे मोल पर लीटर लिख लिया है और ऊपर जो पावर्स हो जाती है पावर्स आपकी एड हो जाती है ठीक है तो पावर आपने एक्स प्लस वाई कर ली ठीक है और यहाँ पर आपको देखना है कि जो ऑर्डर है ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर अगर आ, आपका मैं यहाँ पे लिख दूँ ठीक है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस केस में ऑर्डर हो जाएगा कि जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें जो आपके कॉन्सेंट्रेशन के रेस टू द पार है ठीक है एक्सपोनेंट जो रेस टू द पार है उसको आप प्लस करते हो तो दैट मींस इस केस में जो ऑर्डर है वो एक्स प्लस वाई है और ऑर्डर को डिनोट करते हैं बाय एन ओके okay? यहाँ तक क्लियर है आपको तो आपने देखा कि ये आपके पास क्या बन गया ये आपके पास हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये जर्नलाइज इक्वेशन है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x प्लस वाई है वो आपका n है ठीक है क्योंकि इस रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो आपका ऑर्डर निकल रहा है दैट इज़ x प्लस वाई और जो कि हम ऑर्डर को हमेशा डिनोट करते हैं एन से सो so हमने इसको एन लिख लेंगे अब मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स नाउ दिस मोल पर लीटर विल बी मोल पर लीटर विल बी रेज टू दार एक्स प्लस वाई विल बी एन ओके अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखो मोल पर लीटर यहाँ पर है मोल पर लीटर यहाँ स्पीशीज़ है मोल पर लीटर अनादर स्पीशीज इज़ बिलो दिस ठीक है तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर डिवाइड में मोल पर लीटर अगर सेम्स में सेम, से, सेम स्पीशीज़ है तो क्या होता है जो आपकी पावर है इसकी पावर क्या है देखा जाए इसकी पावर वन है देखो मोल पर लीटर है तो उस पूरे की पावर क्या है वन है नॉट माइनस वन माइनस वन से लीटर लिट, के ऊपर लगा हुआ है मोल पर लीटर की रेस टू दी पार वन है यहाँ पे मोल पर लीटर रेस टू दी पार एन है तो डिवाइड में अगर सेम टर्म्स हो देखो जैसे यहाँ पर किया था अगर सेम टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो सेम टर्म आपकी मल्टीप्लिकेशन में हो तो जो उसके ऊपर रेस टू दार टर्म्स होती है वो एड हो जाती है उसी तरह से अगर सेम टर्म्स डिवाइड में हो तो उनकी जो पावर्स हो जाती है उनका माइनस हो जाता है दैट मीन्स माइनस क्या करेंगे हम माइनस करेंगे मोल पर लीटर कॉमन लिखेंगे एंड वन माइनस एन हो जाएगा ठीक है वन माइनस आप एन लिख लोगे तो आपके पास जो uh, आपको याद करने वाला फॉर्मूला है दैट इज के इज इक्वल टू मोल पर लीटर मोल पर लीटर और रेज टू दार वन माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स दिस इज द फाइनल फार्मूला जो कि आपको लर्न करना है जनरल चीज़ ठीक है जनरलाइज्ड फार्मूला है ये जो आपको क्या करना है लर्न करना है तो यहाँ पे लिख लो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके सारे ही जो यूनिट्स के हैं आपको ज़रूरी नहीं ठीक है थ्योरेटिकल एग्जाम में अगर पूछे कि डिराइव करो यूनिट ऑफ के या फिर ज़्यादा मार्क्स के लिए हैं तो आप डिराइव कर सकते हो वरना आपको ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ये जर्नलाइज फॉर्म ये यूज़ कर सकते हो और इसमें क्या हो जाएगा एंड क्या होगा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है तो आपने यहाँ से क्या चीज़ें सीखी यहाँ से ए, आपने कई चीज़ें ये सीखी नोट करके सबसे पहली चीज़ जो आपका जो आपका यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है वो ऑर्डर ऑफ़ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ के के डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन ठीक है अपॉन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा दैट इज़ एन वो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो आपका के है के के ये क्या है यहाँ पे के क्या है यूनिट्स ठीक है यहाँ पर के के यूनिट्स है के के जो यूनिट्स है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं एन पे दैट इज़ एन क्या है आपका एन है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ठीक है ये बात हमें पता चल गई और दूसरी चीज़ आपने दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी गैशियस स्पीशीज हो फॉर गैशिय स्पीशीज़ फॉर गैश गैशियस रिएक्शन लिख लो ठीक है गैसेस अगर आपके पास रिएक्शन है तो यूज़ तो क्या यूज़ करोगे मोल पर लीटर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर और आपको पता है जब गैसेस रिएक्शन होती है उसमें हम जो रिएक्टेंट्स है उसकी कंसेंट्रेशन नहीं लेते हम रिएक्टेंट के प्रेशर लेते हैं ठीक है थीके? तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है ए तो वही चीज़ आ जाएगी ए वन माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स तो मतलब इस केस के लिए जो गैश स्पीशीज़ है उसके केस के लिए आपका जो के का यूनिट है वो आपका इस तरह से चेंज हो गया ठीक है आपको अभी ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह से ये वाली चीज़ें हुई है ओके अब देखते हैं हम कि रिएक्शन ऑर्डर्स एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ठीक है अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे होता है सपोज़ अगर आपका रिएक्शन ऑर्डर है ज़ीरो वन टू ठीक है ज़ीरो का मतलब क्या है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी आ सकता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है जो रिएक्शन आपके जीरो ऑर्डर के मतलब एन की वैल्यू उसमें ज़ीरो है एन की वैल्यू वन है एन की वैल्यू टू है वन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यही पढ़नी होती है वैसे मोस्टली आगे इलेबोरेटेड फॉर्म में भी इसका आपको एक्सप्लेन करा गया है फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाउ एन इज़ इक्वल टू टू होगा एन इज़ द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन ठीक है वो क्या हो जाएगा वो होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ओके okay? और एक और फ्रैक्शन में भी कर देते हैं क्योंकि हमें पता था पहले वाले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था एन कैन बी ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शनल एज वेल तो हम एक फ्रैक्शनल पढ़ते हैं एन इज़ इक्वल टू माइनस टू इस ये हमने नेगेटिव भी ले लिया और इसमें आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर भी आ गया क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ओके okay? तो इसका कोई नाम नहीं देगा फ्रैक्शनल माइनस हाफ ऑर्डर रिएक्शन लिख सकते थे वैसे ठीक है पर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कमिंग टू द यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट अब इसमें क्या करोगे आप सबसे पहले देखो के आपके पास है ठीक है के यहाँ पर आपने ये लर्न कराया दिस इज़ द ट्रिक बेसिकली ठीक है trick, तो मैं यहाँ पर दोबारा भी लिख देती हूँ आपको लर्न क्या करना है आपको लर्न करना है के, के जो यूनिट्स है इज इक्वल टू मोल पर लीटर ठीक है देखो वन माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स ये आपको लर्न करना है सारा हम जो भी समझा रहे थे वो सिर्फ इसी के लिए समझा रहे थे कि के के और ये क्या है ये के की वैल्यू नहीं है के, के यहाँ पे क्या है यूनिट्स ठीक है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो जब भी यूनिट्स पूछे गए हैं तो हम ऐसे निकाल देंगे ठीक है वैसे क्या है जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के आपको लर्न होने चाहिए यू यू शुड लर्न द रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ना के इज़ इक्वल टू ये होता है जर्नलाइज फॉर्म ठीक है के के यूनिट्स की सो फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो एन की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करोगे तो क्या आएगी देखो अगर आप यहाँ पर रफ में बता देती हूँ मैं देखो के की वैल्यू के इज इक्वल टू ठीक है मोल पर लीटर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स होता है ये जनरलाइज फॉर्म है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो दैट मीन्स एन इज़ इक्वल टू जीरो हमने पुट करना है तो हमारा क्या आ जाएगा मोल पर लीटर ठीक है पर लीटर वन माइनस जीरो क्या हो गया वन एंड ये सेकेंड इनवर्स तो आपका क्या हो गया है? यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखोगे मोल ठीक है पर लीटर पर लीटर पर सेकेंड नाउ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन इज इक्वल टू टू पुट करना है सॉरी एन इज इक्वल टू वन पुट करना है नाउ के इज इक्वल टू मोल ठीक है मोल पर लीटर वन माइनस एन की जगह वन पुट करोगे और सेकेंड इनवर्स एज एज इट इज़ नाउ वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा कोई भी स्पीशीज जैसे टू रेस टू दार जीरो क्या होता है वन एनी थिंग रेस टू दार जो ज़ीरो होगा उसकी वैल्यू वन हो जाएगी इसीलिए मोल पर लीटर रेस टू दार ज़ीरो इज ऑल्सो वन वन इंटू सेकेंड इनवर्स विल गिव यू द सेकेंड इनवर्स यूनिट ठीक है इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका सेकेंड इन्वर्स है और आपको याद भी करना है दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके पास सपोज कोई के वैल्यू गिवन है और वो सेकेंड इन्वर्स में है आपको देख के ही पता लगा देना है कि जो रिएक्शन है दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाकी चाहे लर्न करो ना करो फर्स्ट ऑर्डर का आपको याद होना चाहिए कि जो रेट कॉन्स्टेंट के की जो वैल्यू है ठीक है के की जो यूनिट्स है उसके सेकेंड इनवर्स होता है यूनिट्स ठीक है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाउ फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप क्या करोगे एन इज़ इक्वल टू टू पुट कर दोगे तो के इज इक्वल टू फिर से मोल पर लीटर अब क्या हो जाएगा वन माइनस एन वन माइनस टू अब देखो मोल पर लीटर इसका माइनस आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना है ये अलग से बाहर वन माइनस एन है नाउ दिस इज़ द सेकेंड इनवर्स ये कितना आ जाएगा मोल पर लीटर ठीक है मोल पर लीटर और यहाँ पे वन माइनस टू माइनस वन बच गया और यहाँ पे आपका आ गया सेकेंड इनवर्स तो आपके पास यूनिट सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आ गया मोल ठीक है अब ये माइनस वन अंदर मोल के साथ लगेगा तो माइनस वन बना देगा लीटर के साथ लगना था तो लीटर के पास ऑलरेडी माइनस वन है तो अंदर ये मल्टीप्लाई होता है आपको पता है ना ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर पावर जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी पावर से तो लीटर के पास पहले से माइनस वन है और अंदर ये माइनस वन वाली पावर आ रही है तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो इसमें प्लस वन आ जाएगा और प्लस वन को हम दिखाते नहीं तो हमने सिर्फ इतना छोड़ दिया इसे नव सेकेंड इनवर्स एज इट इज़ हो जाएगा तो हमने लिखा है यहाँ पर इसके यूनिट आए मोल पर लीटर सॉरी मोल इन्वर्स लीटर दोबारा से लिख लेती हूँ कन्फ्यूज हो जाओगे मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इनवर्स ठीक है इसके यूनिट आपके पास ये आ गए इसको कैंसिल कर लो और ये कर लेते हैं एन इज़ इक्वल टू माइनस हाफ में देख लेते हैं किस तरह से आएगा ठीक है एन एन की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है माइनस हाफ देखो माइनस भी है फ्रैक्शन भी है ठीक है मोल पर लीटर सबके लिए एक ही फॉर्मूला है माइनस देखो वन माइनस एन था बट एन कितना है एन पहले से ही माइनस में तो बड़ा ही ध्यान से आपने करना है मोल पर लीटर ठीक है मोल पर लीटर अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस इज प्लस वन अपॉन टू सेकेंड इनवर्स और आपके पास ये क्या आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा मोल ठीक है पर लीटर रेस टू दी पार अब यहाँ से फ्रैक्शन अगर सॉल्व करोगे आपको थ्री बाई टू मिलेगा सेकेंड इन्वर्स तो आपके पास क्या हो गए इसके यूनिट मोल पर लीटर थ्री अपॉन टू ठीक है सेकेंड इन्वर्स चाहो तो थ्री बाई टू को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये मोल थ्री बाई टू भी आ सकता है लीटर माइनस थ्री अपॉन टू भी आ सकता है ठीक है इसी तरह से सा आपने सारे जो रेट कांस्टेंट्स है उसके यूनिट्स निकालने हैं सिर्फ और सिर्फ एक जनरलाइज्ड फार्मूला इससे ठीक है अब क्वेश्चन करते हैं कुछ हम प्रैक्टिस सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट्स आपके पास गिवन है खुद ही इन्होंने गिवन है आपके पास दिए है कि दैट इज़ द रेट कॉन्स्टेंट आपके पास वैल्यू गिवन है ठीक है वैल्यू गिवन है तो हम वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं होंगे जब भी हमें रेट कॉन्स्टेंट के क्या निकालने हैं रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट नहीं निकालने हमें आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ठीक है तो मतलब के की वैल्यू के देने का मतलब होता है कि आपके पास ये जो रेट कॉन्स्टेंट Uh, के जो यूनिट्स है आपके पास ये पता चल जाए आपको ठीक है तो देखो अब क्या करोगे आपने ऑर्डर निकालना है सबसे पहले आपको पता है जनरलाइज जो इक्वेशन होती है जनरलाइज लिखा करो हमेशा ठीक है जर्नलाइज जो इक्वेशन है ए ए प्लस बी बी वैसे ही मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे सो दैट कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरह से आए ठीक है डी डी उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है सपोज uh, रेट ही लिख लो रेट जो है रेट की वैल्यू क्या होती है के ए रेज टू दी पार एक्स ठीक है x एंड b रेस टू पावर y और ये पूरे के पूरा ये क्या है कैसे कैसे लिखा है हमने दिस इज द रेट एक्सप्रेशन दिस इज द रेट एक्सप्रेशन जो कि आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कैसे है क्योंकि जो इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ है वो आपके स्टोइशोमेट्रिक कॉफिशेंट हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं वो आपका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि एक्स एंड वाई की वैल्यू है क्या एक्चुअल में ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दिस रेड एक्सप्रेशन आपको पता है जो ऑर्डर होता है ऑर्डर क्या होता है रेट एक्सप्रेशन के टर्म में ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि रेट एक्सप्रेशन के टर्म में या रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म में जो ए रेस टू दी बार मतलब कॉन्सेंट्रेशन रेस टू दी बार एनी थिंग है मतलब एक्सपोनेंट्स हैं उनका जस्ट हम प्लस कर देते हैं तो ऑर्डर जो कि एन से डिनोट होता है जर्नलाइज हमने क्या लिख लिया एक्स प्लस मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी उसका हम एक्स प्लस कर लेंगे ठीक है तो देखो अब एन क्या होता है एन एसना ऑर्डर अब निकालना है हमने ऑर्डर और गिवन है हमें के अब देखो हमेशा याद रखना जब भी आपको के दिया है ऑर्डर निकालना है तो हमेशा आप किससे निकालोगे उसके यूनिट से निकालोगे क्योंकि के की के की इम्पॉर्टेंस क्या है उसके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट से हमें ऑर्डर पता चल जाता है अगेन रेट कांस्टेंट के यूनिट से यूनिट से रेट कांस्टेंट के यूनिट से हमें ऑर्डर पता चल जाता है रिएक्शन की रिएक्शन कौन से ऑर्डर की चल रही है तो फर्स्टली हमने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि के जो है वो इस इक्वल टू दिस तो हमें पता है जो जर्नलाइज फॉर्म है ठीक है जो आपकी जर्नलाइज फॉर्म है वो क्या है मोल पर लीटर वन माइनस एन और ये है क्या ये है रेट कांस्टेंट के जो यूनिट है उसकी जर्नलाइज फॉर्म वो होती है सेकेंड इनवर्स ठीक है अब हमें पता है ये तो जर्नलाइज फॉर्म है अगर हम जर्नलाइज फॉर्म को जो एक्चुअल में हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट है उससे इक्वेट कर दे तो एन निकल सकता है हमेशा आपने यही करना है रेट कॉन्सटेंट के यूनिट से अगर कभी भी आपको एन की वैल्यू मतलब ऑर्डर निकालने को आए तो आपने जो जर्नलाइज फॉर्म है क्या थी ये दिस इज द एक साइड आप लिखोगे जर्नलाइज फॉर्म जर्नरलाइज्ड फॉर्म ठीक है जर्नलाइज फॉर्म लिखोगे और दूसरी तरफ क्या लिखोगे जो एक्चुअल में आपको गिवन है तो हमने लिखा लीटर पर मोल ठीक है पर सेकेंड हमने ये वाला लिख लिया ठीक है यहाँ पर हम दूसरा करेंगे तो आपने ये लिख लिया अब क्या करना है अब कोशिश करनी है कि दूसरी साइड भी मोल पर लीटर की तरह ही बनाना है इसको रीअरेंज करके मोल पर लीटर ही बनाना है तो दोबारा से ये तो एज इट इज़ लिख लिया मोल पर लीटर इज़ एज इट इज़ और उसके पास वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स जो कि जनरलाइज्ड यूनिट होता है ठीक है जो जनरल यूनिट होता है जो हम याद करते हैं तो अब क्या होगा लीटर पर मोल को भी मोल पर लीटर में चेंज करना है तो देखो क्या करोगे सबसे पहले तो यहाँ पर मोल पर लीटर लिख लो अब देखो यहाँ पर कितने पावर लग सकती है अगर हम यहाँ पे माइनस वन लिख लें तो वो माइनस वन अंदर जाके क्या बनाएगी मोल इन्वर्स ठीक है लीटर का क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स का क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा तो मतलब इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इसको अगर आपने सॉल्व करा तो आपके पास ऊपर वाला ही मिल जाएगा ना हमारे पास क्या हो रहा है सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे सेम सेम चीज़ें हैं मतलब बेस सेम है तो हम क्या करते हैं जब बेस सेम होते हैं इक्वालिटी के इधर एंड उधर तो हम जो उसके ऊपर एक्सपोनेंट्स होते हैं ऊपर चढ़ी हुई जो वैल्यू होती है उनको इक्वेट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो हमने क्या करा वन माइनस एन इज़ इक्वल टू माइनस वन आ गया ठीक है वन माइनस एन इज़ इक्वल टू माइनस वन आ गया तो आप एन यहाँ से सॉल्व कर लो एन आप उस, उस तरफ ले जाओगे तो यहाँ पर वन प्लस वन आएगा इज इक्वल टू टू तो ऑर्डर आपका क्या है ऑर्डर ऑफ दिस जो आपकी रेट कांस्टेंट है इसके साथ ऑर्डर है आपका टू और सेकंड ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ठीक है सेकेंड ऑर्डर है ठीक है इस तरह से आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर निकाल सकते हो जस्ट बाय द यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट न जो सेकेंड है आपके पास सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैसे भी आप पता लगा दोगे यहाँ से सेकेंड आपके पास है कि के की वैल्यू आपको गिवन है दिस मच ठीक है न फिर से आपने वही कह दिया जो जर्नलाइज फॉर्म है मोल पर लीटर ठीक है मोल पर लीटर वन माइनस एन और आपके पास सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ भी यूनिट्स जस्ट सेकेंड इनवर्स हैं और वैसे भी आपको कहा गया है कि सेकेंड इनवर्स का याद कर लो किसके किसके होते हैं ये यूनिट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 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 यूनिट्स कितने होते हैं सेकेंड इन्वर्स और वैसे भी यहीं से पता लग रहा है कि ये जो ऑर्डर आएगा वो फर्स्ट आएगा एन इज इक्वल टू वन आएगा फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स है वो सेकंड इनवर्स होते हैं जस्ट चेक कर लेते हैं ठीक है थीके? चलो चेक कर लेते हैं आप तो सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट हो गया आपका ठीक है और यहाँ पर क्या बचा आपका यहाँ पर मोल पर लीटर ठीक है मोल पर लीटर वन माइनस एन बच गया तो हम क्या करते थे हम यहाँ पे उस साइड भी हमें इसी फॉर्म में लिखना है ठीक है तो आप क्या लिखोगे ऐसे लिख सकते हो मोल पर लीटर ठीक है और यहाँ पे हम क्या लिखे सो so दैट ये वन बन जाए क्योंकि मोल पर लीटर तो है नहीं यहाँ पे तो हमने सोचा यहाँ पे हम जीरो लिख लेते हैं क्योंकि एनी थिंग रेज टू दावर जीरो इज़ वन मतलब टू रेज टू दावर जीरो भी करोगे वो भी वन आएगा तो हमने करा क्योंकि यहाँ पे ओनली जो यूनिट था वो सेकेंड इनवर्स में था तो हमने सोचा कि मोल पर लीटर को हम ज़ीरो लिख लेते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ें कंपेयर करनी थी एक्चुअल में हमने इसके पावर्स कंपेयर करनी थी क्योंकि बेस अगर सेम है इक्वालिटी के इधर उधर है तो आप ये जो इसके पावर्स हैं उसको इक्वेट कर सकते हो वन माइनस एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो नाउ एन इज़ इक्वल टू वन तो इसका मतलब क्या आ गया आपका ऑर्डर इज इक्वल टू वन और इसका मतलब है ये रिएक्शन जो भी है जो इसका रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो किसका है फर्स्ट ऑर्डर का है और वैसे भी अगर आपको नहीं अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं करना आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट सेकंड इनवर्स है तो डायरेक्टली आप पता लगा सकते हो कि जो ऑर्डर आएगा ऑर्डर क्या आएगा ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आएगा ओके okay? देखो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका फॉर अ रिएक्शन आपको ये आपको गिवन इक्वेशन है ठीक है रिएक्शन कौन सी है ये वाली रिएक्शन है द यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट मतलब क्या है के के यूनिट्स के आर गिवन एज दिस आपको गिवन है रेट कांस्टेंट के यूनिट सबसे पहले तो आप लिखोगे जो चीज़ आपको गिवन है ठीक है गिवन इज गिवन क्या है आपको यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ठीक है यूनिट्स ऑफ के रेट कॉन्स्टेंट क्या गिवन है इस आपके रिएक्शन के लिए लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स गिवन है ठीक है अब आपको राइट क्या करना है राइट द रेट एक्सप्रेशन मतलब रेट लॉ आपको लिखना है तो देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए आपको ऑर्डर पता होना चाहिए तो और आपको पता है जो यूनिट्स है के के उससे एक ही चीज़ निकल सकती है क्या निकल सकती है हमेशा याद रखना आपको यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट से हमेशा आपको ऑर्डर निकलेगा ठीक है आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो तो हम वही काम करते हैं जेनरलाइज्ड फॉर्म को लिख लिख देते हैं और जो आपके पास गिवन है उसको इक्वेट कर देते हैं आपको पता है जो जेनरलाइज्ड फॉर्म होती है यूनिट्स की यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्सटेंट वो क्या होती है मोल लीटर ठीक है मोल पर लीटर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स ठीक है दैट इज इक्वल टू जो आपको गिवन है लीटर पर मोल सेकेंड इन्वर्स बट हमने क्या करना होता है मोल पर लीटर मोल पर लीटर एक जैसे बनाने होते हैं ठीक है ठीके? एक जैसे लिखना होता है मोल पर लीटर ठीक है ये तो एज एज इट इज़ रहेगा जर्नलाइज फॉर्म है सेकेंड इनवर्स अब अब इसको मोल पर लीटर कैसे बनाना है मोल पर लीटर पहले लिख लो अब इसमें देखो पावर कितनी आएगी सो so दैट आप अगर रिवर्स जाओ तो सेम चीज़ आए आप क्या करोगे आप यहाँ पे माइनस वन लगा के देखोगे अब देखो माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मोल पर लीटर बन जाएगा माइनस वन लीटर इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको लीटर देगा ठीक है नाउ सेकेंड इनवर्स एज इट इज़ ना सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स गॉट कैंसल्ट नाउ मोल पर लीटर एंड मोल पर लीटर सेम है तो आपके क्या हो गए जो आपके वन माइनस एन एंड जो ये पावर है ये आपकी इक्वेट हो जाएगी वन माइनस एन इज़ इक्वल टू माइनस वन ठीक है यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ ठीक है तो इसके बाद n की वैल्यू क्या आ जाएगी रीअरेंज करोगे n इज इक्वल टू टू मतलब रिएक्शन क्या है रियाक्शन एज द सेकेंड ऑर्डर ये हमें ऑर्डर पता चल गया बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रेट एक्सप्रेशन नॉट ऑर्डर अब देखो रेट एक्सप्रेशन लिख लो वैसे रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो नाउ रेट रेट एक्सप्रेशन रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ठीक है रेट कांस्टेंट और जो आपके रिएक्टेंट्स है रेस टू दिपार उसका कोई कॉफिशेंट लिखते हो जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है न यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है रिएक्टेंट सिर्फ एक है वो है आपका ए तो आपने ए लिख लिया अब रेस टू दिपार क्या लिखोगे मुझे बताओ ए लिखोगे क्या नहीं ए नहीं लिखेंगे हम क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्टोईशोमेट्री ही रेस टू दिपार में जाए रेट एक्सप्रेशन हमेशा अच्छा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है इसीलिए हम इसके जो रेस टू दार्ट टर्म है वो आप वो आप आ, अपने से नहीं लिख सकते अनलेस आपको गिवन हो कि रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए उसका ऑर्डर इतना है फिर तो लिख सकते हो आप ठीक है जब आपको पता ही नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर कितना है तो आपने लिखना है एक्स ठीक है नाव आपका नाव ऑर्डर कितना हो गया इस रिएक्शन का ठीक है मैं देखो डिटेल में आपको समझा रही हूँ वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे ना ऑर्डर कितना हो गया इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या है ऑर्डर क्या होता है रेट एक्सप्रेशन में जो भी कंसेंट्रेशन टर्म है उनका उनके जो पावर्स हैं उनका समेशन होता है अब मज़े की बात यह है कि इसमें जो रिएक्टेंट है दैट इज़ ओनली वन दैट इज़ ए बी भी नहीं है दूसरा भी कोई नहीं है ए ही है तो ऑर्डर ऑफ द जो रिएक्शन है दैट इज़ एन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एक्स के ठीक है तो इसका मतलब एन इज़ इक्वल टू एक्स हो गया तो आपको पता है एन एक्स की वैल्यू एन की वैल्यू क्या है एन की वैल्यू आपकी टू है तो आपको x इज़ इक्वल टू आपको क्या मिल गया x की वैल्यू आपको 2 मिल गई जो कि आपको रेट लॉ में लिखनी है नाउ रेट लॉ रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है पूछा गया है वो अब आप आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको x की वैल्यू नहीं पता थी सिर्फ और x की वैल्यू हमें कहाँ से पता चली हमें यहाँ से पता चली देखो अगर इसमें होता है एक और आपका रिएक्टेंट होता तब आप नहीं निकाल पाने थे इसकी वैल्यू क्योंकि वो हमने उसको बी रेस टू दाई लिखना था तो वाई की वैल्यू हमें पता नहीं होनी थी ठीक है इसीलिए क्वेश्चन भी उन्होंने इसी तरह से बनाया है सो दैट इजीली आपका आंसर निकल जाए ना रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारे पास रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू दार ए रेस टू दार एक्स है और एक्स की वैल्यू हमारी निकली टू तो इसका मतलब आपका आंसर ये है ठीक है देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ठीक है आपका आंसर ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन सो होपफुली आपको समझ आया होगा थैंक यू सो मच अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना डू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच